सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए हैं और मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि जाम की समस्या है, उसके बाद पानी निकासी की समस्या है, नाला की समस्या है। तो बरसात में वो 3-4 महीना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन जाम का समस्या सालों भर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक परेशान करता है। तो मेरा पहला फोकस होगा जो अतिक्रमण मुक्त हो, जाम मुक्त हो शहर। अब शहर की जो बनावट है उस बनावट को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से कैसे जाम मुक्त हो, वन वे रोड बने, सुविधाएं मिले, लोगों को आने जाने में कुछ कठिनाई होगी, कुछ कठोर कदम उठाना होगा, लेकिन सबसे पहले जाम मुक्त हो, आवागमन सरल हो, इस पर मेरा तुरंत फोकस होगा अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो। बिल्कुल करप्शन मुक्त नगर निगम हम बनाएंगे। हम पंचायत में भी, मेरे माँ पिताजी थे तो हम अपने पंचायत में करप्शन होने नहीं दिए। जहाँ तक जो मेयर का अधिकार होता है उसके अधिकार का पूरा उपयोग किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त हो और भ्रष्टाचार घूस नहीं हो। जनता के बीच में जो भी सरकार की राशि आए 100% वो गुणवत्तापूर्वक काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बने। नगर निगम की जनताओं का, युवाओं का, महिलाओं का सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। शहर में लाइट की प्रचुर मात्रा, हाई मास्क लाइट हो या जहां भी जरूरत पड़े किया जाएगा। शहर के चप्पे चप्पे में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। व्यापारियों जितने हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जो मैक्सिमम होगा शहर को ठीक करने के लिए, नगर निगम को ठीक करने के लिए, उन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है, मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। अभी तक कोई प्लानिंग ही नहीं हुआ है, जिधर मन हुआ कहीं नाला खोद दिए, कहीं गड्ढा खोद दिए, फंड को इधर से उधर लगा दिए, बिल्कुल अव्यवस्थित है। और जनता के द्वारा जब आशीर्वाद मिलेगा तो नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित नगर निगम बनाने का काम किया जाएगा। जो ठेले वाले हैं, खुंचे वाले हैं, ई रिक्शा है, टेम्पू वाले हैं, कोशिश किया जाएगा कि सबको जगह मिले और व्यवस्थित जगह मिले और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम के बुद्धिमान जनता, शिक्षाविद जनता, सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है कि आप एक बार कुमारी कल्पना को आशीर्वाद दें, मौका दें स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित नगर निगम बनाने के लिए। मेरे पिताजी मुखिया रहे, मेरी माँ मुखिया रही, हम भी 32-33 साल से सामाजिक जीवन में है, मेरा लड़का भी सामाजिक जीवन में है और हम लगातार सेवा और समर्पण के भाव से हैं। पंचायत में भी जब छोटा ही अधिकार था, जितना ही अधिकार था मैं गुणवत्तापूर्वक काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, लूट खसोट होने नहीं दिया। कोई कह नहीं सकता है कि पंचायत में कोई भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम जितना दिन रहे बना के रखे और मैं सेवा और समर्पण के भाव से काम करता हूँ।